Hello everyone, welcome to Avipedia powered by Abhimanyu IAS. Due to some last minute issues, we have to just record this session and premiere it, and that is why this session is not running live. We're really sorry for that, but this premiere will be as already explained. आपको already पहले से ही पता है कि premiere का मतलब क्या है, कि ये video पहले से recorded रहेगा, आपको साथ साथ में दिखेगा, but हम आपके साथ में साथ साथ available रहेंगे आपके questions के answers के लिए. So yes, hello everyone. वेलकम टू अबिपीडिया, राइट. सो आप सबको पता है ये ज्योग्राफी की T20 सीरीज चल रही है. सो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है जो अभी तक देख रहे हैं, दे नो वेरी वेल. इसके अंदर हम चार ओवर्स के अंदर ये गेम खेलेंगे, राइट. हम एक एक ओवर के अंदर छः छः क्वेश्चन को कवर करेंगे, एंड इस तरीके से हम ज्योग्राफी को सीखने की कोशिश करेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट कि आज के टॉपिक्स क्या हैं. सो आज के टॉपिक्स हैं हमारे साइक्लोन, ड्रॉट्स, लोकल विंड्स और क्लाइमेटिक zones. So these are the major topics जो हम आज cover करने वाले हैं. और alright, so start करते हैं over one से. First over से शुरू करते हुए let's come on to our very very first question. जल्दी से अपने pens और अपनी books इन सब books नहीं लेनी है, साथ में cheating नहीं करनी है हमने. Take your copies and just start solving this question and write your answers and mark them as correct or incorrect, ताकि आप end में अपने answers जो हैं सही हैं कि गलत ये mark कर पाएं. So let's start with our first question. Which among the following local wind blows in southern hemisphere? इनमें से कौन सी local wind southern hemisphere में flow करती है? Okay. So A है Chinook, Chinook. Next is Mistral. Next is Foehn. And next is Pampero. So इनमें से कौन सी local winds है जो कि southern hemisphere में blow करती हैं? जल्दी से अपने answers जो हैं वो मार्क कर दीजिए कि आपको क्या इसका आंसर लगता है. सो अगर आप लोकल विंड्स की बात करें, लोकल विंड्स बेसिकली होती क्या हैं? लोकल विंड्स होती हैं जब किसी रीजन के अंदर, किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर आपको कोई अलग तरीके से विंड्स के करेक्टरिस्टिक्स मिले. फॉर एग्जांपल कि आप जब किसी एरिया के अंदर जा रहे हैं, आप जब लाइक अगर आप मान लीजिए इंडिया की ही अगर हम बात करें, तो इंडिया के अंदर भी स्पेसिफिक अलग से कुछ लोकल विंड्स हैं जो कि आपको किसी और जगह पर अगर आप जाएंगे, पाकिस्तान में भी अगर आप चले जाएंगे बॉर्डरिंग एरियाज में भी, या फिर अफगानिस्तान भी चले जाएंगे, तो वहाँ पर भी नहीं मिलेगी. तो कुछ रीजन स्पेसिफिक लोकल विंड्स होती हैं जो कि वहीं के कुछ करेक्टरिस्टिक्स के कारण चलती हैं. तो अगर आप सबने आंसर मार्क कर लिए तो लेट्स गो ऑन टू कि इसका आंसर क्या है. सो इसका आंसर है डी पंपेरू. क्यों? अब अगर आपको इनकी लोकेशन पता है, अगर आपको थोड़ा सा इन विंड्स के बारे में पता है, मिस्ट्राल और फोहिन और शिनुक, तो मिस्ट्राल और फोहिन जो है वो यूरोप की लोकल विंड्स है, ठीक है. एंड शिनुक जो है वो नॉर्थ अमेरिका की लोकल विंड्स है, पंपेरू जो है वो अर्जेंटीना की है. सो अर्जेंटीना इज दी ओनली प्लेस विच लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, राइट. सो डू रिमेंबर दीज लोकेशंस, कंट्रीज अच्छे से याद कीजिएगा, ज्योग्राफी में उसका बहुत ज्यादा फायदा है. सो जस्ट टेक आउट एन ईजी मैकेनिज्म, सारी कंट्रीज को एक बार दिमाग में फिट कर लीजिएगा, फिर से कभी उन्हें भूलेंगे नहीं कि कहाँ पे ये सब चीजें होती हैं. और ऑलराइट, और लोकल विंड्स का एक जो ये टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट भी रहता है. रीजन बीइंग कि जब आप लोकल विंड्स की बात करते हो तो इसमें कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चन निकल आते हैं. और अगर हमने ये जो देखा, ये लेवल वन क्वेश्चन था जो इससे निकल के आ सकता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी आई इनमें से किसी एक दो के बारे में भी, तो आप कर सकते हैं इसे करेक्ट, राइट. या फिर तो आप इसे छोड़ेंगे या फिर आप इसे कर देंगे डायरेक्टली, राइट. तो नहीं तो आपको अगर यही पता है कि पंपेरू अर्जेंटीना में चलती है या कुछ भी, तो आपको इनमें से एक का ही पता हो तो आपको बहुत इजी रहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट. तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साहेल रीजन ऑफ सहारा डेजर्ट, ये क्या है? क्या है ये साहेल रीजन? साहेल रीजन किसे कहते हैं? इज इट अ कोर एरिया ऑफ सहारा डेजर्ट, और इज इट द सदर्न एज, सदर्न एज ऑफ सहारा डेजर्ट दैट इज बॉर्डरिंग सवाना, और इज इट द नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ सहारा डेजर्ट बॉर्डरिंग मेडिटेरियन सी, और इज इट जस्ट अनदर नेम ऑफ सहारा डेजर्ट एंड नथिंग आउट ऑफ दिस. सो जस्ट जल्दी से अपने आंसर जो है वो बता दीजिए कि साहेल रीजन क्या होता है. अगर आपको इस साहिल की, अगर आप साहिल के बारे में सोचो तो साहिल और सहारा के बारे में अगर आप देखें तो आप इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं. एक हिंदी का वर्ड होता है साहिल, राइट. साहिल, साहिल का मतलब होता है किनारा. सो
तो अगर आपको ये चीज पता है कि साहिल और किनारा, और क्योंकि सहारा डेजर्ट की चीज है, सो इट इज बेसिकली इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दिस मिडल ईस्ट रीजन, जहाँ पे कि आपकी उर्दू भाषा बहुत ज्यादा बोली जाती है, राइट? सो इस चीज को आप ध्यान से देखते हुए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। साहिल रीजन, साहिल रीजन बेसिकली बिल्कुल एक किनारा है, सहारा डेजर्ट का किनारा है, पर कौन सा किनारा, सदर्न या नॉर्दर्न? तो ये है सदर्न एज, आंसर इज बी, आंसर इज बी। बेसिकली साहेल रीजन ये नीचे, ये इसके हमारा जो सहारा डेजर्ट है ऊपर अफ्रीका के ऊपर वाले बॉर्डर में, तो ये सहारा डेजर्ट का सदर्न एज जो है उसके नीचे वाले एरिया को साहेल कहते हैं, राइट? तो इसके नीचे वाले एरिया में सवाना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो और सहारा के ऊपर आता है यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी। ओके, सो ये मेडिटेरेनियन सी और ये सहारा और सवाना के बीच के रीजन को साहेल रीजन कहते हैं, जहाँ पे कि आपको कुछ करेक्टरिस्टिक सहारा डेजर्ट के मिलेंगे और कुछ करेक्टरिस्टिक सवाना रीजन के मिलेंगे। ऑल राइट, सो दिस इज साहेल रीजन। ओके, लेट्स कम ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सारे क्लाइमेटिक रीजन्स को, टाइप्स को लैटिट्यूडनल लोकेशन के हिसाब से साउथ से नॉर्थ की तरफ से बताइए कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हुए इनमें से कौन सा क्लाइमेटिक रीजन पहले आएगा? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, सुदान टाइप और ब्रिटिश टाइप। तो जल्दी से इसका आंसर जो है वो मार्क कर दीजिए। अब अगर आपको इनके रीजन्स की लोकेशन पता है तो इस क्वेश्चन का मार्क करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, अगर आपको मेडिटेरेनियन सी पता है तो यू नो कि हाँ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट उस वाले रीजन में पाया जाएगा, है ना? और ब्रिटिश टाइप ब्रिटिश वाले एरिया में पाया जाएगा, राइट? एंड सुदान क्लाइमेट जो है वो सुदान वाले रीजन में पाया जाएगा, जो कि अफ्रीका में है सुदान, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है वो इक्वेटर के पास पाया जाएगा, तो इसीलिए इक्वेटर क्लाइमेट जो है वो इक्वेटर के पास पाया जाएगा, इसीलिए सब ऑप्शन के अंदर टू जो है वो फर्स्ट पे लिखा गया, राइट? तो आपके लिए और भी इजी है इसको सॉल्व करना, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। आई होप आप सब अभी तक जैसे जैसे मैं बोल रही थी साथ साथ कर रहे थे इसको सॉल्व, ठीक है? सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी, ठीक है? तो एक बार ये जो डायग्राम है इसको एक बार ध्यान से देख लेना कि क्या कैसे कैसे इसके अंदर रीजन जो है वो रहते हैं। तो सबसे नीचे हमारा रहता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। हमारा डी ऑप्शन था क्या? डी ऑप्शन था 2314, 2314, राइट? इक्वेटोरियल क्लाइमेट, फिर सुदान, फिर मेडिटेरियन और फिर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। तो वैसे भी अगर आप रीजन वाइज भी देखें तो बिल्कुल आप इसको इजीली कर सकते थे, अगर आपको क्लाइमेट टाइप्स के बारे में भी नहीं नॉलेज है, राइट? सो इसको अगर आप देखें तो ये सबसे पहले नीचे इक्वेटर आएगा, फिर यहाँ पे डेजर्ट टाइप क्लाइमेट्स आएंगे, ठीक है? एंड फिर आएंगे आपके मेडिटेरियन स्टेपे और चाइना टाइप, एंड उसके बाद आएंगे आपके ऊपर वाले क्लाइमेट्स, ठीक है? तो इनको हम डिटेल में करेंगे इस लेक्चर के अंदर ही, इसी वाली सीरीज के अंदर ही, जो हमारा आज का जो है क्लाइमेट जोन भी, बिकॉज हमारा आज का टॉपिक है, तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। देखिए क्लाइमेट जोन जो टॉपिक है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट जोन। रीजन क्या है उसका कि क्लाइमेट जोन हमारे पास जितने भी हैं सारे, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट से क्लाइमेट जोन हैं, ठीक है? और उनमें से किसी एक के अंदर इंडिया भी आता है। तो अगर आपने इस सारे क्लाइमेटिक जोन्स को समझ लेते हैं तो आप वर्ल्ड को कुछ रीजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और आप ये समझ सकते हैं कि कैसे वर्ल्ड अलग, मतलब कंट्रीज अलग अलग है, रीजन अलग अलग है, फिर भी उनके अंदर कितनी ज्यादा कनेक्टिविटी है ड्यू टू दीज थिंग्स। ऑलराइट, सो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इनमें से कौन से टेम्परेट साइक्लोन्स रहे हैं? कौन से इनमें से टेम्परेट साइक्लोन्स रहे हैं? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर टेम्परेट साइक्लोन्स? हुदहुद, कैटरीना, फलीन या अशोका? जल्दी से बताइए इनमें से कौन से आपको लगता है कि टेम्परेट साइक्लोन्स रहे हैं? वन इन थ्री ओनली, टू ओनली, थ्री एंड फोर या नन? देखिए टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन्स कौन से साइक्लोन्स होते हैं? टेम्परेट साइक्लोन्स वो साइक्लोन्स होते हैं जो बेसिकली टेम्परेट रीजन के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लगता है टेम्परेट रीजन, और कौन सी शुरू होती है हमारी? आफ्टर ट्रॉपिक्स से लेके ऊपर, जो हमारा ट्रॉपिक्स के ऊपर ये शुरू हो जाती है। ट्रॉपिक्स मतलब 23.5 डिग्रीज नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री साउथ, जिसके ऊपर के हमारे आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल शुरू हो जाते हैं, राइट? तो अगर आपने इस क्वेश्चन को मार्क कर लिया तो जल्दी से इसका आंसर जो है वो हम देख लेते हैं। सो दिस वॉज
इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। अगर आप में से किसी ने इसका आंसर जो है वो डी मार्क किया, तो जल्दी से उसका रीजन भी बता दीजिए कि इसका आंसर डी क्यों है। जल्दी से बताइए कि क्यों इसका आंसर आपको लगता है, अगर किसी ने डी मार्क किया है तो इसका आंसर डी क्यों हो सकता है? नन। इज देयर एनी रीजन, या आपको वैसे ही लगता है कि इनमें से कोई भी नट जो था वो टेम्परेट साइक्लोन नहीं था? तो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल इसका आंसर जो है वो डी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का ही नाम रखा जाता है, नेमिंग की ही सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जाती है, टेम्परेट साइक्लोन्स की नाम नहीं किए रखे जाते हैं। बिकॉज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो कभी कभी होते हैं और उनसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो होती है, बट टेम्परेट साइक्लोन्स जो है वो ओवर द ईयर, हर पूरे साल ही चलते रहते हैं, तो इनका हमें अलग से नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो दीज वर टेम्परेट साइक्लोन्स। सो दिस वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन। इस तरीके की चीजें भी यूपीएससी पूछ लेता है बहुत बार, तो जस्ट ध्यान से चीजों को पढ़ना है जब भी हमने पढ़ना है। अगर आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ा है तो उसके अंदर वैसे ही बहुत जगह आएगा कि नाम, नेमिंग एंड ऑल, पर टेम्परेट साइक्लोन्स के अंदर कहीं पे भी नेमिंग आती ही नहीं है। इवन वंस यूपीएससी ने ये क्वेश्चन जीएस के अंदर भी पूछा था, जीएस के मेंस के अंदर, यूपीएससी के GS1 जो मेंस पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि हाउ आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नेम्ड, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नेमिंग कैसे की जाती है, तो ये वाली चीज आपको उसके अंदर भी पूछी जा चुकी है एक बार। ओके, सो कमिंग ऑन टू आवर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एजर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। तो अभी तक हमने जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस किए हैं, हमने कहीं पे भी एजर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन जो है वो नहीं किया है। इसी के कारण ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू मस्ट नो कि ज्योग्राफी से किस तरीके के एजर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? सो अगर आप एजर्शन रीजन क्वेश्चन की बात करें तो जस्ट सॉल्व इट। एजर्शन, एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल रेनफॉल होती है इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में, और उसका रीजन है कि हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी कॉजेस कन्वेंशनल रेन इन मोस्ट आफ्टरनून नियर द इक्वेटर। ओके, सो इसके लिए एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन जो है वो ये दिया गया है। अब एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, यू जस्ट हैव टू मार्क कि आपको क्या लगता है, क्या ए और आर दोनों सही हैं और आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि ए और आर दोनों सही तो हैं पर आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि स्टेटमेंट ए सही है बी गलत है, या फिर ए गलत है बी सही है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होता है। और बेसिकली ये वाले जो क्वेश्चन है वो सी साइड के अंदर आपको ज्यादा मिलते हैं, बट जीके के अंदर भी, जनरल स्टडीज के अंदर भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, ठीक है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए कि आपको क्या लगता है इनमें से क्या सही है, ताकि हम इसको बात कर पाए इसके बारे में, इक्वेटर के बारे में। सो इक्वेटर की अगर हम बात करें तो इक्वेटर लाइज एट 0 डिग्री, राइट? तो 0 डिग्री पे होने के कारण यहाँ पे आपको थ्रू आउट पूरे सीजन में एक भी बार नहीं होता है जब यहाँ पे जो है आपको सनलाइट जो है वो ना पड़े, या फिर सन रेज जो है वो डायरेक्ट जो है सीधी की सीधी, मतलब सीधी तो ट्रॉपिक्स पे पड़ती है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात की थी, बट जो इक्वेटर वाला रीजन होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पर्सिपिटेशन होती है, बहुत ज्यादा गर्मी वाला ये एरिया रहता है, बिकॉज यहाँ पे सीजन कभी चेंज ही नहीं होता है, यहाँ पे पूरे टाइम ही मोस्टली एक ही सीजन रहता है। तो अगर आपने ये चीज समझ सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप इक्वेटर के पास रहते हो तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, तो उसके कारण, गर्मी ज्यादा होने के कारण क्या रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो उतनी ही ज्यादा यहाँ पे पर्सिपिटेशन होगी, मतलब वाटर जो है वो थ्रू पर्सिपिटेशन इन द क्लाउड्स जाएगा, राइट? एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर पर्सिपिटेशन ज्यादा होगी तो पूरे सीजन जो है हमें, पूरे ईयर जो है हमें रेनफॉल इसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है? तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो फिफ्थ का आंसर है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, लेट्स कम ऑन टू द लास्ट बॉल ऑफ आर फर्स्ट ओवर। ओके, फर्स्ट बॉल, फर्स्ट ओवर की लास्ट बॉल क्या है, इट इज रिलेटेड टू साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। तो जल्दी से अगर आपने साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में जानते हैं थोड़ा भी, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन क्या होते हैं? इन साइक्लोन प्रेशर कंडीशंस एट सेंटर इज लो, वेयर एज इन एंटी साइक्लोन प्रेशर कंडीशंस एट द सेंटर इज हाई। इन साइक्लोन पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज क्लॉकवाइज, वेयर एज इन एंटी साइक्लोन पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके,
सो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मार्क कर दीजिए. इजी ऑप्शंस वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या नन ऑफ द अबव. सो आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि प्रीमियरिंग सेशन है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इसको छोड़ सकते हैं बीच में, बाद में देख लेंगे, या कुछ भी. साथ साथ करते रहिएगा, बिकॉज आई एम अवेलेबल विद यू टू आंसर योर क्वेश्चंस, टू आंसर योर क्वेरीज, या कहीं पे आपको इस सेशन के दौरान दिक्कत आती है किसी चीज को लेके, तो आई एम हियर टू सॉल्व योर क्वेरीज, राइट. बाद में हो सकता है कि आपको कमेंट सेशन के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू पूछना पड़े, बट लाइव चैट के थ्रू आप अभी साथ के साथ पूछ पाएंगे अगर आप साथ साथ इस सेशन को देख रहे हैं, राइट. तो ये आपके लिए ही एक फायदे की बात है. ओके, सो कमिंग ऑन टू आर इट्स आंसर, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए. इसका आंसर ए क्यों है? तो सबसे पहले तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं. साइक्लोन क्या होता है? जिसके अंदर जो बीच वाला एरिया होता है, जिसको कि हम आई भी कहते हैं, आई कहते हैं, तो ये वाला जो एरिया होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है, और इसके आसपास वाले एरियाज के अंदर हाई प्रेशर होता है, जिसके कारण कि विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर, तो इसके कारण यहाँ पे विंड जो है वो जनरेट हो जाती है. ठीक है, करेक्ट. और एंटी साइक्लोन क्या होता है? जिसके अंदर अंदर वाला जो एरिया होता है उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, हाई होता है, और इसके आसपास वाले एरियाज जो है वहां पे लो प्रेशर होता है. ठीक है, सो ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए. अब ये देख लेते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्यों गलत है. इन साइक्लोन पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज क्लॉकवाइज, व्हाइल द डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो दो चीजों की नॉलेज आपको होना जरूरी है. पहली चीज तो ये कि बिल्कुल आपको ये चीज पता हो लग गई कि बीच में लो है और साइड में हाई प्रेशर है, राइट. तो इसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि हाई से लो की तरफ मूव करेगी विंड, फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग आपको ये पता होनी चाहिए कि जब साइक्लोन्स आएंगे तो उनके ऊपर एक फोर्स का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो है कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर की थी, राइट. कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? दैट डिफ्लेक्ट दीज विंड्स, जो इन विंड्स को डिफ्लेक्ट कर देती है. तो अगर आप एक बार इस वीडियो को पॉज करना और वो वाला अंदाजा एक बार लगाना कि कोरियोलिस फोर्स से विंड्स किस तरफ डिफ्लेक्ट होती है, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, और फिर इन एक एक पॉइंट को लेफ्ट या राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करके देखना, ठीक है. इसको एक एक पॉइंट को डिफ्लेक्ट करके देखना कि वो किस तरफ जा रहा है, फिर उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे ये क्लॉकवाइज बनेगा. जैसे कि अगर ये ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज बनेगा, और वैसे ही वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा. सी, ज्योग्राफी इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसको कि आप रट्टा मार सकते हो. ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट जिसको कि आपको समझना पड़ेगा, उसकी कोर पे जाना पड़ेगा, तभी आपको वो चीजें कभी भूलेंगी नहीं. कि अगर आप आज से 10 साल बाद भी आप ज्योग्राफी का सब्जेक्ट जो है वो उठाते हो तो यू विल बी क्लियर विद दिस थिंग कि ये चीज कोरियोलिस फोर्स के कारण हुई है. तो आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किधर एंटी क्लॉकवाइज है, किधर क्लॉकवाइज है, रट्टा मार के जिसको हम चीज कहते हैं वो नहीं करनी पड़ेगी. सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड इस क्लास के बाद आप ये चीज जरूर करके देखेगा, बिना इस चीज को याद किए हुए, इस चीज को समझ के एक बार करिएगा. तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट ओवर जो है वो कंप्लीट हो गया. जल्दी से अपने स्कोर्स जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए, फर्स्ट ओवर के अंदर आपके कितने स्कोर्स जो है वो बन रहे हैं, कितने अभी तक के आपके मार्क्स हैं. ओके, सो ताकि हम जल्दी से अपने ओवर टू की तरफ जा सके. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव परफॉर्म्ड रियली वेल, बिकॉज अभी तक हमारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी और बेसिक चीजों पे रहे हैं, ठीक है. और वैसे भी जो पूरा ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है, अगर आपने एक भी बार पढ़ा हुआ है तो इन चीजों को सॉल्व करने पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, राइट. क्योंकि आप अगर मेरे साथ बने हुए हैं तो बिल्कुल आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि कैसे कहाँ पे, बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक्स अगर आपको समझ में आ जाते हैं, अगर आप उन्हें ध्यान में रख लेते हैं तो आप इन चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट. सो जल्दी से हम अपने ओवर टू की तरफ चलते हैं. ओवर टू की पहली ओवर टू का पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि हमारा सेवेंथ क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइफून्स. टाइफून्स क्या होते हैं? इट इज एन इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट्स over land in China, okay? They do not have an eye unlike tropical cyclones. क्या ये temperate cyclones हैं? क्या typhoons जो हैं वो temperate cyclones को कहते हैं? तो एक बार अगर आप ये जान लीजिएगा तो आप इस चीज को बड़े आसानी से कर सकते हैं, राइट. क्योंकि हमने आई के अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अंदर होते हैं, ठीक है. सो इट कॉजेज इंटेंस रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म्स. तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए. वन एंड टू
टू एंड थ्री, थ्री ओनली, या नन ऑफ द अबव। इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है जो कि सही है? टाइफून्स आर टाइफून्स टेम्परेट साइक्लोन्स और दे आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? जल्दी से इसका हम आंसर जो है वो मार्क कर दीजिए। ओके, सो हम जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सी, यानी कि थ्री ओनली। और थ्री ओनली क्यों है? जल्दी से हम ऑप्शंस एक बार फिर से देखते हैं। इट इज एन इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट्स ओवर लैंड इन चाइना। जो कोई भी जो ट्रॉपिकल साइक, पहली बात तो टाइफून जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये बात को समझ अगर आप लेते हैं तो। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का ही नाम है जो जिस नाम से कि उन्हें जाना जाता है चाइना के अंदर। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप बिल्कुल ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स के डिफरेंस के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो होते हैं जिनकी की आई होती है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गई। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो होते हैं जो कि सी के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं, लैंड पे ओरिजिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके कारण ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। इट कॉजेज इंटेंस रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म, बिल्कुल वो सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो कॉज करते हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई। नाउ लेट्स कम ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। रिवर्सल ऑफ विंड इनमें से किसके अंदर होता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट, या ऑल ऑफ द अबव क्लाइमेट? सबके अंदर ही रिवर्सल ऑफ विंड जैसी चीज जो है वो देखने को मिलती है। तो जल्दी से अपने आंसर जो है वो मार्क कर लीजिए। इक्वेटोरियल क्लाइमेट बिल्कुल आप सबको पता है कि मेडिटेरियन रीजन हमारे इक्वेटर वाले साइड पास के पास मिलेगा, राइट? और जो मॉनसून क्लाइमेट है वो आपको मिलेगा ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, जैसे कि इंडिया के अंदर होता है। इंडिया के अंदर मॉनसून टाइप क्लाइमेट ही है ना, राइट? एंड उसके ऊपर अगर हम आए मेडिटेरियन क्लाइमेट पे, तो वो हमें मिलेगा इसके ऊपर टेम्परेट रीजन के अंदर। ओके, सो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। रिवर्सल ऑफ विंड किसका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है? वो है हमारे सी का, यानी कि मॉनसून क्लाइमेट का। मॉनसून क्लाइमेट में होता क्या है? ऐसा कुछ होता है मॉनसून क्लाइमेट के अंदर, बेसिकली ये है क्या, डायग्राम क्या कह रहा है? जब हमारी जनवरी का मंथ चल रहा होता है, तो जनवरी के मंथ में क्या होता है, जो हमारी ITCZ होती है, ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो नीचे शिफ्ट हो जाती है इक्वेटर से। तो इक्वेटर से नीचे शिफ्ट होने के कारण जो ऊपर की विंड्स हैं वो यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जो कि इस डायरेक्शन में चल रही होती हैं, राइट? एंड वहीं अगर आप जुलाई के मंथ में देखो, तो जुलाई के मंथ में ITCZ जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट के अंदर भी पढ़ा था, वो वहां पे शिफ्ट हो जाती है जहाँ पे समर्स चल रही होती हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें या मॉनसून टाइप क्लाइमेट की बात करें, तो वो अगर इस रीजन में पाया जा रहा है तो वो इसके अंदर ऊपर आ गया, राइट? तो अब जब वो वहां पे विंड्स जो है वो इस डायरेक्शन में चलने लग गई, अब इस एरिया के अंदर, तो जो इंसान यहाँ पे रह रहा होगा इस पूरे एरिया के अंदर, ट्रॉपिक्स और इक्वेटर के बीच वाला जो एरिया है, तो उसको ये लगेगा कि विंड जो है वो रिवर्स हो गई है, कि पहले वो जनवरी में इस डायरेक्शन में चल रही थी और जुलाई में वो इस डायरेक्शन के अंदर चलने लग गई है। इट इज नॉट एक्चुअली दैट विंड्स गेट रिवर्स, बट वी गेट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ विंड्स। ओके, सो लेट्स कम ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following are favorable conditions for the formation and intensification of tropical storms, tropical cyclones बनाने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो नेसेसरी है, बेहद जरूरी है, जिसके बिना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनेंगे नहीं? तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज सी सर्फेस विद टेम्परेचर हायर देन मोर देन टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, एंड स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। आपको कम वेरिएशन चाहिए, हाई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, या फिर अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। इनमें से कौन सा इनमें से फेवरेबल कंडीशन है? जल्दी से अपने आंसर जो है वो मार्क कर दीजिए। वेरिएशन, अपर डाइवर्जेंस क्या होते हैं, साथ साथ हम एक बार ये समझ लेते हैं। अपर डाइवर्जेंस होता है, एक तो हो गया सी लेवल के ऊपर सिस्टम, जहां पे आप सी लेवल है वहां पे अगर डाइवर्जेंस हो रही है, ये कन्वर्जेंस, राइट? अब अपर डाइवर्जेंस का मतलब है ये है लेवल के ऊपर जहां पे आप एग्जिस्ट करते हो, अपर का मतलब है यहाँ पे इस वाले एरिया के अंदर, जो ऊपर वाला एरिया है
उसके अंदर अगर अपर डाइवर्जेंस एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर अगर कन्वर्ज हो रहा है तो यहाँ से एयर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी और वहां से ऐसे इस तरीके से साइकिल जो है वो बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अपर डाइवर्जेंस अबव सी लेवल सिस्टम। ओके, सो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, अगर आप अभी तक कर चुके हैं तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी। बिल्कुल, जो सारे जो हमें चीजें कही गई हैं वो चारों की, तीनों की तीनों चीजें जो है वो फेवरेबल कंडीशन है ट्रॉपिकल स्टॉर्म के लिए। देयर आर फाइव कंडीशन, फाइव एग्जैक्ट नेसेसरी कंडीशन जिसके, जो कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म के लिए नेसेसरी होती है। इनमें से तीन यहाँ दी गई हैं, नो अबाउट टू अदर्स। दो दूसरी कौन सी हैं, इनको आप जल्दी से लिख लीजिएगा। जब भी आप ये सेशन कंप्लीट होने के बाद एक बार बुक उठा के देखिएगा और उसमें देखिएगा कि कौन सी इनमें से जो वो है बाकी दो कंडीशन रहती हैं। ओके, सो कमिंग ऑन टू आर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, आर टेंथ क्वेश्चन। इसका कि आधा पार्ट हम, कुछ चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या है हमारी लोकल विंड, लोकल विंड ये किस किस रीजन के अंदर पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली दो चीजें हैं इस चीज को डालने के लिए, दो क्वेश्चन। पहली बात तो है कि लोकल विंड्स के ऊपर इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था वो किस तरीके का था, सिंपल क्वेश्चन ए बी सी डी टाइप, राइट। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे किस तरीके का क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है, कि आपको सबका पता होना चाहिए कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे चल रहा है, राइट। तो अगर आपने पहला क्वेश्चन जो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था वो ध्यान से सुना था, तो आप इसका क्वेश्चन बहुत जल्दी से इसका सही जो है जवाब दे सकते हैं। अगर आप ये सेशन, ये वाला सेशन भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, राइट, आपको पहले की अगर नॉलेज भी नहीं है, तो जल्दी से इसका आंसर जो है वो मार्क कर दीजिए। लोकल विंड्स के नाम है फोहेन, लू, जोंडा या खमसीन। ये है चार नाम और इनको आपने इन इन रीजन से मैच करना है। तो जल्दी से देख लीजिए कि क्या आपको लगता है इसका आंसर है, एंड फटाफट से अपने ऑप्शंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो अगर हमने याद करा देती हूँ मैं, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर हमने दो चीजें जो इनमें से, ये जो तीन लोकल विंड्स के नाम दिए गए हैं इनके अंदर से हमने दो नाम, एक नाम पहले किया है फोहेन। क्या मैं सही लिख रही हूँ, एम आई राइट? फोहेन की ही बात की थी जो कि यूरोप के अंदर चलता है, राइट, फोहेन लोकल विंड। तो जल्दी से बाकी ऑप्शंस भी देख लीजिए, अगर आपको ये पता लग गया तो यू कैन सी कि सी और डी ऑप्शन है, तो जिसके अंदर की वन वन का फर्स्ट का वन दिया हुआ है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं, क्या है आंसर है इसका सी, आंसर है इसका सी, राइट। तो अगर आपको सेकंड, अगर आप ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से सही कर सकते थे अगर आपने नॉर्थ इंडिया के ये लू विंड के बारे में पता है। अगर आप लोगों को पता है तो इंडिया में गर्मियों के महीने के अंदर एक लोकल विंड चलती है जिसको कि हम लू कहते हैं, बेसिकली नॉर्थ इंडिया के पार्ट के अंदर, जिसके अंदर की बहुत ज्यादा वार्म विंड्स चलती हैं कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको उसके कारण बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब हो सकती है, अगर वो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर जाती है, राइट। सो इस विंड को हम लू कहते हैं। तो अगर आपको ये दोनों पता थे तो आप सही कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर नाम के हिसाब से भी देखें तो खमसिन नाम साउंड समथिंग लाइक की, जो कि इजिप्ट जैसी कंट्री के अंदर मिलेगा, तो आप ये वाली चीजें इस तरीके से सही कर सकते हैं। बट इन द एंड आपको लोकल विंड्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी लोकल विंड किस किस रीजन के अंदर पाई जाती है। उसका एक छोटा सा टेबल यहाँ पे दिया गया, इसके अलावा भी काफी विंड्स जो होती है, आपको अगर इनके अलावा कोई भी विंड मिलती है तो जरूर इस टेबल के अंदर ऐड कर लीजिएगा, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, क्या ये कोल्ड विंड होती है या क्या ये वार्म विंड होती है, राइट। ये दोनों चीजें अगर आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो लोकल विंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप गलत नहीं करेंगे। एक टेबल बनाइएगा, टेबल के अंदर लोकल विंड लिखिएगा, उसका रीजन लिखिएगा और क्या वो विंड कोल्ड है या वार्म, इस चीज को उसके साथ में मेंशन कर लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग मेडिटेरियन एंड मॉनसून क्लाइमेट इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है मेडिटेरियन और मॉनसून क्लाइमेट के बारे में। सो प्रेसिपिटेशन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट इज इन विंटर व्हाइल इन मॉनसून क्लाइमेट इज इन समर। ओके, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मेडिटेरियन क्लाइमेट इज हायर देन द मॉनसून क्लाइमेट। ओके, रेनी एंड ड्राई सीजन आर फाउंड इन बोथ क्लाइमेट। तो जल्दी से बता दीजिए आपको क्या इनमें से लगता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट अभी तक हमारा दो क्वेश्चन के अंदर भी आ चुका है, तो वी नो कि मेडिटेरियन क्लाइमेट किस रीजन में होता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है मेडिटेरियन सी के आसपास वाले रीजन के अंदर।
जो कि है यूरोप और अफ्रीका के बीच में। यूरोप और अफ्रीका के बीच में हमारी मेडिटेरियन सी, राइट? यूरोप और अफ्रीका के बीच वाले रीजन के अंदर हमें मेडिटेरियन क्लाइमेट मिलता है, राइट? और मॉनसून क्लाइमेट भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिसके अंदर की रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है ना, वो कहाँ पे पाया जाता है? बेसिकली इंडिया के आसपास वाले रीजन्स के अंदर, ट्रॉपिक्स और इक्वेटर के बीच वाले एरिया में। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आपको नहीं भी पता, अगर आपने आज तक क्लाइमेटिक जोन्स नहीं भी पढ़े, तो भी ये वो वाली चीजें हैं जो कि आप थोड़ा सा सोच लें उन चीजों के बारे में कि वो किस एरिया के अंदर लाया करती हैं, कहाँ पे वैसा कैसा होता है, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। ओके, सो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है सी। सी क्यों है? सी ऑप्शन क्या था? सी ऑप्शन था 1 और 3 ओनली, यानी कि बिल्कुल मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है उसके अंदर सिर्फ विंटर में बारिश होती है, और जो मॉनसून क्लाइमेट है उसके अंदर समर के अंदर बारिश होती है, ठीक है? और कह रहे हैं कि रेनी और ड्राई सीजन जो है वो दोनों क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं, राइट? बट गलत कौन सी स्टेटमेंट है? वो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मेडिटेरियन क्लाइमेट इज हायर देन मॉनसून क्लाइमेट, पर ये सच नहीं है। ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि मॉनसून क्लाइमेट में टेम्परेचर रेंज जो है वो ज्यादा होती है। क्यों होती है मॉनसून क्लाइमेट में? बिकॉज वहां पे जो है, पहली बात तो ये कि सिस्टम चेंज होता है आईटीसीजी के कारण, राइट? आईटीसीजी के शिफ्ट होने के कारण मॉनसून क्लाइमेट के अंदर आपका टोटल टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है, राइट? और दूसरा, ये वाला जो एरिया वो ट्रॉपिक्स के पास लाई करता है, तो ट्रॉपिक्स आर द एरिया जिसके अंदर की हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है। मेडिटेरियन रीजन के अंदर आपको ज्यादा, अगर मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर भी चला जाए, गिर भी जाए, तो मतलब डाउन से डाउन थोड़ा जा सकता है, बट हाई से हाई अगर आप कहीं, तो वहां पे इतनी ज्यादा गर्मियां कभी नहीं आएंगी कि आपको वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो फील होने लगे, जैसे कि इंडिया के मॉनसून टाइप क्लाइमेट के अंदर फील होती है। सो कमिंग ऑन टू 12th क्वेश्चन, लास्ट बॉल ऑफ सेकेंड ओवर। सेकेंड ओवर की लास्ट बॉल के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चाइना टाइप क्लाइमेट। चाइना टाइप क्लाइमेट के लिए आपको क्या इनमें से सही लगता है, जल्दी से बता दीजिए। तो क्या लगता है आपको इनमें से क्या सही है? इट इज ऑल्सो नोन एज वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, ओके? इट हैज वार्म मॉइस्ट समर एंड अ कूल ड्राई विंटर, ओके? रेनफॉल इज वेरी लो इन दिस रीजन। जल्दी से अपने आंसर जो है वो मार्क कर लीजिए। आपको क्या लगता है कि चाइना के अंदर किस टाइप का क्लाइमेट जो है वो मोस्टली पाया जाता है, ओके? और इसको आप किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं? वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन ही कहते हैं क्या इसे, या कुछ और कहते हैं? और क्या इसके अंदर ऐसा ही होता है कि वार्म और मॉइस्ट समर होती है, कूल और ड्राई विंटर होती है? जल्दी से अपने आंसर जो है वो मार्क कर दीजिए, लिख लीजिए अब फटाफट से अपने आंसर्स। क्या आपको लगता है? तो आई होप आप लोग इतनी देर में इस क्वेश्चन को देख चुके होंगे, क्योंकि हमने बहुत देर इस क्वेश्चन को देखने में लगाई है। हम साथ साथ में जितनी देर में क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं या उसे समझ रहे होते हैं, आप साथ साथ में आंसर को मार्क करने की कोशिश किया कीजिए, ताकि टाइम जो है वो समझने में ज्यादा लगे, और आपको क्या लगता है कि इसका क्या आंसर है, आप जल्दी से उसे मार्क कर दीजिए, ओके? एंड डू वन थिंग कि आप इस सेशन को प्लीज शेयर करते रहिएगा, राइट? ताकि आपको भी ज्यादा से ज्यादा इस नॉलेज को आप आगे स्प्रेड कर सके। प्लस वन मोर थिंग वी रियली वॉन्ट टू डिस्कस इज दिस T20 सीरीज की टेस्ट सीरीज जो हमारे साथ में चल रही है, कि आप अगर ये T20 सीरीज को देख रहे हैं, तो आप एक टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर की बिल्कुल हमने UPSC से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है वो बनाए हैं, ओके? और आप इस टेस्ट सीरीज की डिटेल जो है हमारे लिंक के अंदर जाके, नीचे वीडियो के लिंक में जाके भी देख सकते हैं, और हमारी अविपीडिया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाके आप देख सकते हैं इसके बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में। सो अगर आप ये T20 सीरीज जो है वो बहुत ध्यान से कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो उस टेस्ट सीरीज के अंदर पूछे जाएंगे। प्लस आपको आपकी रैंकिंग का अंदाजा होगा कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं बाकी स्टूडेंट के कंपैरेटिवली। डेली बेसिस पे तो आप देख ही रहे हैं, बट जब सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, कि नॉट एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपका एक सब्जेक्ट कुछ अच्छा होता है, पर कहीं कहीं आप किसी और सब्जेक्ट में लैक करते हैं, तो उस चीज को मिला जुला के चलना होता है। आप किसी एक सब्जेक्ट में पीछे और एक सब्जेक्ट में आगे नहीं रह सकते, सब सब्जेक्ट को आपको अच्छे से साथ के साथ प्रिपेयर करना होता है, राइट? सो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी। सी क्या था हमारा ऑप्शन? 1 और 2 ओनली। सो सिर्फ 1 और 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट नहीं है।
थ्री का है क्या है, रेनफॉल इज वेरी लो इन दिस रीजन, यहाँ पे रेनफॉल लो नहीं होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है. सो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन का क्या मतलब है, पहली बात तो ये कि टेम्परेट रीजन के अंदर पाया जाएगा, बिल्कुल चाइना जो है वो टेम्परेट जोन के अंदर है. ठीक है, नेक्स्ट आप बात करो कि ये वाला एरिया जो है वो वार्म रहेगा, ठीक है, कि ये उतना भी कोल्ड कूल नहीं रहता जितना कि हम कूल वाले रीजन को हम कंसिडर करेंगे, राइट. और दूसरा क्या है, ये ईस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन के ऊपर लाई करता है, तो बिल्कुल चाइना का जो ईस्टर्न मार्जिन है हम उसकी ये बात कर रहे हैं, राइट. और नेक्स्ट हम बात करें कि इसके अंदर रेनफॉल जो है वो मोर देन मॉडरेट रहती है, एनीथिंग फ्रॉम 60 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे ऑन शोर ट्रेड विंड ब्रिंग रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे के पूरे साल ट्रेड विंड जो है यहाँ पे हमारी रेन जो है वो लेके आती है. तो हमारा ओवर टू कम्प्लीट हो चुका है, जल्दी से अपने 2 मिनट के अंदर अंदर फटाफट से अपने स्कोर जो है वो लिख लीजिए कि कितना अभी तक आपका स्कोर हो गया है. हमारा हाफ सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ताकि हम जल्दी से अपना बाकी सेशन भी जो है वो कंप्लीट कर सकें बिना देरी करते हुए. तो अपने स्कोर जल्दी से कमेंट सेशन के अंदर लिख दीजिए कि कितना आपको लगता है अभी तक आपका सही जा रहा है. और अपने जो आपको अगर कोई क्वेरी है, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको समझना चाहते हैं, तो वो भी साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछते रहिएगा, ताकि हम उसको सॉल्व जो है वो करते रहें. ओके, डोंट थिंक लाइक कि हम आपके साथ नहीं है, लाइव सेशन नहीं चल रही है, बिकॉज लाइव सेशन के अंदर एक जैसे कि मैंने वीडियो शुरू करते हुए पहले ही बताया था कि ड्यू टू सम रीजंस की एंड मोमेंट रीजंस के कारण हम अपना जो आज का लाइव सेशन है वो नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी की थोड़ी सी इश्यू जो है वो आ रहा था इसके कारण. ऑलराइट, सो जल्दी से हम देख लेते हैं ओवर थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मेजर हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट. ज्यादातर हॉट डेजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पर हैं कॉन्टिनेंट्स के, बिटवीन लैटिट्यूड्स ऑफ 15 एंड 30 नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि दोनों हेमिस्फीयर्स के अंदर 15 और 30 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर ये पाए जाते हैं. पैटागोनियन डेजर्ट इज मोर ड्यू टू द कॉन्टिनेंटैलिटी रेदर देन टू लोकेटेड ऑन द रेन शेडो रीजन ऑफ एंडीज, कि इसकी पैटागोनियन डेजर्ट जो है वो कॉन्टिनेंटैलिटी, एक कॉन्टिनेंटल डेजर्ट टाइप है, इट इज नॉट लोकेटेड ऑन रेन शेडो रीजन. ओके, एंड द हॉट डेजर्ट लाई अलोंग द जोन वेयर द एयर इज डिसेंडिंग. तो एयर जो है जहाँ पे डिसेंड कर रही होती है, डिसेंड करने का मतलब है नीचे की तरफ आ रही होती है. ठीक है, तो आपको जल्दी से इन आंसर क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बताने हैं. सॉरी, डिसेंडिंग का मतलब नीचे आ रहा होगा नहीं, आई एम सॉरी, मैं बोलते बोलते ये समझ गई थी. डिसेंडिंग का मतलब कि जहाँ पे एयर जो है वो यहाँ पे नहीं रुक रही है, बल्कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो आपके क्लाउड, जो रेनफॉल बियरिंग जो क्लाउड है वो नहीं ठहर पा रहे, वो नहीं रुक पा रहे, उन एरियाज को आप कहते हैं. ओके, सो जल्दी से इसका आंसर जो है वो मार्क कर लीजिए कि क्या आपको लगता है कि इसका आंसर क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3, 2 एंड 3 या 1, 2 एंड 3. तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है बी. बी की ऑप्शन क्या था हमारा, 1 एंड 3 ओनली, सिर्फ 1 और 3, यानी कि बिल्कुल ये हॉट डेजर्ट जो है वो उन जोन में होते हैं जहाँ पे एयर डिसेंड कर रही होती है, और बिल्कुल ये जो हॉट डेजर्ट्स हैं दे आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट. ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे मोस्टली पाए जाते हैं, मतलब ये अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो उसके इधर वाले मार्जिन पे, जो वेस्टर्न मार्जिन है, राइट, तो उसके ऊपर ये पाए जाते हैं हॉट डेजर्ट. ठीक है, तो अब हमने जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्यों गलत है, पैटागोनियन डेजर्ट के बारे में. तो पैटागोनियन डेजर्ट जो है वो रेन शेडो पोजिशन, जिसको कि आप लीवर्ड साइड भी कहते हो. लीवर्ड साइड बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए दिस इज अ माउंटेन, तो ये कोई क्लाउड जो है वो यहाँ तक आया, बट वो इसके इधर नहीं जा पाया, तो इसने यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रेन कर दी, ये वाला एरिया जो है वो पूरा फर्टाइल रह गया, बट इसके लीवर्ड साइड होने के कारण यहाँ पे इस एरिया के इधर जो भी रीजन होंगे वहां पे नो रेन होगी, वहां पे रेन जो है वो नहीं पहुंच पाएगी, इसके कारण इस एरिया के अंदर आपको डेजर्ट वाली कंडीशन मिलेंगी. ठीक है, तो पैटागोनियन डेजर्ट इसी तरीके से बनता है, इसी के कारण यहाँ पे पैटागोनिया वाला डेजर्ट जो है वो फॉर्मेशन होता है. ओके, सो कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन. तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन जो है वो चाइना टाइप क्लाइमेट का है, राइट. तो अब चाइना टाइप इसके अंदर दिया हुआ है, पर क्या कोई और रीजन भी है जो चाइना की तरह ही लाइक करता है. ठीक है, इज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन.
कौन कौन से और एरिया हैं जो आप जिनको कह सकते हो कि जो कि इसी की तरह चाइना की तरह ही वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन पे लाई करते हैं? इज इट लोरेंशियन टाइप, इज इट गल्फ टाइप और इज इट नेटल टाइप? तो जल्दी से इसका आंसर जो है वो लिख लीजिए। सो लेट्स सी इट्स आंसर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, यानी कि लोरेंशियन टाइप। तो जो चाइना टाइप, गल्फ टाइप और नेटल टाइप, ये जो तीन टाइप के मार्जिन हैं, ये सारे का सारे वार्म टेम्परेट के अंदर आते हैं। अगर आपको वो वाला डायग्राम याद हो जो हमने सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन के अंदर किया था, जिसके अंदर की हमने दिया हुआ था कि हाउ दीज आर डिवाइडेड, हाउ दीज प्लेसेस आर डिवाइडेड, कि हॉट जोन है, उसके बाद फिर इक्वेटोरियल इक्वेटेरियल या हॉट जोन है, उसके बाद ट्रॉपिकल वाला जोन आ गया, उसके बाद फिर हमारा मेडिटेरियन वाला जोन आ गया। तो इस तरीके से उसके अंदर हमने दिया हुआ था वो डायग्राम के अंदर, आप एक बार अगर उस डायग्राम को ध्यान से देखा होगा। तो अगर इन एनी केस आप इसके थ्रू तो पढ़ ही रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन हैं, अगर आप क्लाइमेटिक जोन टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डू सी दिस बुक, जीसी लियोंग। जीसी लियोंग की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, उसके अंदर सारे क्लाइमेटिक जोन जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर दिए गए हैं। तो डू परचेज दिस बुक और डू सी समवेयर की ये कहीं ना कहीं, अगर आपको, अगर आप ओल्ड बुक लेना चाहते हैं या कुछ भी, तो क्लाइमेट टाइप जो रीजन है या जो ये क्लाइमेटिक जोन है वो ज्यादा चेंज नहीं होता है ओवर द टाइम। तो आप अगर कोई पुरानी बुक से भी देखना चाहते हैं तो दैट इज वेरी नाइस। तो आप इसको जरूर डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा फॉर वंस एंड ऑल। इसको एक बार पढ़िएगा, एक बार नोट्स बनाइएगा, जस्ट कीप दिस टॉपिक असाइड, ताकि उसके बाद आपको बार बार क्लाइमेटिक जोन को स्टडी करने की जरूरत ना पड़े। ओके, सो बिल्कुल जो इसका आंसर था वो बी था, लोरेंशियन टाइप। लोरेंशियन टाइप जो इट इज कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, ये चाइना टाइप क्लाइमेट से थोड़ा सा ऊपर लाई करता है, चाइना के ऊपर वाले एरिया में ही लोरेंशियन टाइप जो है वो एग्जिस्ट करता है। ओके, सो कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू स्टेपिक क्लाइमेट। स्टेपिक क्लाइमेट में क्या होता है, स्टेपेस क्या होते हैं? पहली बात तो ये कि स्टेपेस जरूर बताइएगा कि क्या होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर लिखा ही हुआ है, स्टेपेस जो है दे आर ग्रासलैंड। सो इट इज मोस्टली प्रिवेलेंट इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। क्या ये जो स्टेपिक क्लाइमेट है वो इंटीरियर पे होता है कॉन्टिनेंट्स के? ओके, दे आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस एंड द ग्रासेस आर मच शॉर्टर। ग्रासेस जो है वो छोटे होते हैं इसके अंदर, एंड द स्टेपे टाइप क्लाइमेट इज वेरी स्पियर इन सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर ये ज्यादा स्पियर तरीके में पाया जाता है। तो जल्दी से लिख दीजिए आपको क्या इसका आंसर लगता है, वन वन एंड टू ओनली, थ्री ओनली, या वन टू एंड थ्री, तीनों सही हैं। जल्दी से अपने आंसर जो है वो मार्क कर दीजिए। आई होप आप सही ये सब चीजें साथ साथ समझ रहे हैं और साथ साथ अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर रहे हैं, आपको कहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी तरीके की दिक्कत जो है वो फेस करनी पड़ रही है, राइट? सो जल्दी से हम अपना आंसर जो है वो इसका देख लेते हैं। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बी। बी ऑप्शन क्या था और हमारा, वन एंड टू ओनली, सिर्फ वन और टू, यानी कि बिल्कुल ये कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करते हैं, ये उनके कॉर्नर पे नहीं लाए करते हैं, ठीक है। स्टेपिक ग्रासलैंड्स आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस एंड ग्रासेस आर मच शॉर्टर। यहाँ पे आपको ट्रीज जो है वो नहीं मिलेंगे और ग्रासेस जो है वो बहुत ज्यादा मिलेंगी, ग्रासेस जो है वो मिलेंगी एंड इट इज शॉर्ट। आपने इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, जो हम ग्रासेस आर शॉर्ट के शॉर्टर की बात कर रहे हैं, हम इसे कंपेयर कर रहे हैं सवाना टाइप क्लाइमेट से। तो सवाना टाइप पे भी आई थिंक कोई क्वेश्चन है इस स्लाइड के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर, आई थिंक आई मेड वन क्वेश्चन, बट जस्ट लेट इट बी। तो जब वो आएगा तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे सवाना टाइप को। तो बट एक बार इसको जरूर इससे कंपैरिजन के बेसिस पे है, देर आर दिस टू टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स दैट आर फाउंड इन द वर्ल्ड, वन इज दिस सवाना टाइप एंड वन इज दिस स्टेपे टाइप। तो उससे अगर आप कंपेयर करें तो सवाना के अंदर बहुत ज्यादा लॉन्ग ग्रासेस जो है वो पाई जाती हैं, स्टेपेस के अंदर जो ग्रासेस हैं वो प्रैक्टिकली शॉर्ट होती हैं बहुत ज्यादा। और तीसरी अगर हम बात करें तो स्टेपे टाइप ऑफ क्लाइमेट इज वेरी स्वेयर इन सदर्न हेमिस्फेयर, ये चीज गलत है। उसका क्या रीजन है कि ये क्यों स्वेयर नहीं होती है, इज नेवर स्वेयर एज द टेम्परेट पार्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर इज नैरो एंड हैव मच मोर मॉडरेटिंग इफेक्ट। क्योंकि जितना वहां पे अगर आप देखें तो वहां पे प्रैक्टिकली देयर इज नो लैंड आफ्टर 40 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री के बाद ही तो टेम्परेट जोन शुरू होता है और वो 66.5 डिग्री तक जाता है, राइट? तो इस पूरे टेम्परेट जोन के अंदर 40 डिग्री के बाद तो कोई लैंड ही नहीं है। तो अगर आप इस चीज की तरफ से देखें तो ये टेम्परेट पार्ट जो है यहाँ पे, ये इसलिए स्वेयर नहीं होगा,
Okay, so coming on to our next question, which of the following climate type is best described by following characteristics? तो ये कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आपको जो दिए गए हैं आपको इससे बताना। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने इस वाले उसमें नहीं किया था, राइट? तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये देखना है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं और उनको डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, कि क्या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किस किस क्लाइमेट जोन को डिस्क्राइब करते हैं, और जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक जिस एरिया को डिस्क्राइब करेंगे आपको उसे मार्क करना है। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वेरी शॉर्ट ग्रोइंग सीजन इन विच प्लांट्स ओनली हैव अबाउट 50 to 100 फ्रॉस्ट फ्री डेज टू ग्रो। ओके, देन हम बात करें द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर आर सो हाई दैट इट इज ऑफन रेफर्ड एज कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ, इसीलिए इसे कोल्ड पोल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो और ये हम क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है, आपको इन्हें नहीं देखना है, आपको बस ये बताना है कि ये कौन सा क्लाइमेट टाइप डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगर आप इनके थ्रू देखेंगे तो बिल्कुल जो कोल्ड पोल है वो वाले एरियाज होंगे जो बिल्कुल ही एंड में लाई करेंगे, राइट? जो बिल्कुल पोल्स के पास वाले एरियाज में लाई करेंगे, तो उनमें से आपको कौन सा लगता है इनमें से है? प्लस इस लास्ट पॉइंट क्या दिया हो गया है कि इनके अंदर कॉनिफर्स उगाए जाते हैं। कॉनिफर्स कौन से टाइप के प्लांट होते हैं जिनके अंदर आपको बहुत ज्यादा तीखी तीखी जो यहाँ पे आपको, जैसे कि अगर आप हिमाचल या यूपी में जाओ तो आपको जो ऐसे इस तरीके के जो प्लांट्स पाइन्स या जो ट्रीज देखने को मिलते हैं दे आर कॉनिफर्स, राइट? तो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, ए यानी कि साइबेरियन टाइप। साइबेरियन टाइप क्लाइमेट कौन सा होता है जो बिल्कुल एंड में पाया जाता है, साइबेरिया वाले एरिया में यानी कि रशिया के एंड वाले एरिया में, ठीक है? सो इट इज ऑल्सो नोन एज कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट इन विच वी हैव 100 फ्रॉस्ट फ्री डेज टू ग्रो। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर आर सो ग्रेट इन साइबेरिया दैट इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ। ओके, नो अदर ट्रीज एज वेल अडेप्टेड एज द कोनिफर्स। ओके, सो लेट्स कम ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल्सो सेम वेराइटी का क्वेश्चन है जो हमारे लास्ट था, इसमें भी आपने ऐसे ही सेम तरीके से करना है, एक एक स्टेटमेंट को देखना है और स्टेटमेंट के हिसाब से इनको नैरो डाउन करना है क्लाइमेट टाइप्स को। इट इज फाउंड ऑन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ओके, वेस्टर्न मार्जिन पे पाया जाता है, ठीक है? इट हैज परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज ऑल राउंड द ईयर, पूरे साल इसके अंदर वेस्टर्लीज विंड्स जो है वो आती है। रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल इसके अंदर रेनफॉल जो है वो होती है। तो पहली बात तो कूल टेम्परेट रीजन है, वेस्टर्लीज पूरे साल रहती है इस एरिया के अंदर और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है यहाँ पे, राइट? तो इसका आंसर क्या है जल्दी से लिख दीजिए। इसका आंसर है हमारा सी, कोल्ड टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन बेसिकली ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट को ही कहा जाता है। तो ब्रिटिश टाइप जो क्लाइमेट है उसके अंदर क्या होता है कि वी हैव परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, रेनफॉल पूरे साल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब कि आपको इक्वल इंटरवल्स के ऊपर रेनफॉल जो है वो मिल जाएगी। इंडिया की तरह नहीं कि देर इज वन पर्टिकुलर सीजन जहाँ पे कि आपको रेनफॉल मिलेगी, ऐसा वहाँ पे नहीं रहता है। वहाँ पे पूरे साल ही आपको कूल क्लाइमेट, कूल वाला क्लाइमेट जो है वो मिलेगा। एंड देर आर लो एनुअल टेम्परेचर रेंज जिसके आपको पूरे साल जो टेम्परेचर रेंजेस जो है, जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत कम देखने को मिलेंगी। एंड दिस क्लाइमेट इज ऑल्सो रेफर टू एज बेस्ट हैबिटेशन टाइप, कि इस एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बेस्ट हैबिटेशन मिलेगी, कि इसी के कारण इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी, मतलब राइट नाउ इट इज इन ट्रॉपिक्स अगर हम देखें, बट अगर हम ओल्ड टाइम्स की बात करें तो बिल्कुल इस एरिया को बेस्ट फॉर हैबिटेशन माना जाता है, जहाँ पे कि आप रहेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबली पूरे साल गुजार सकते हैं, राइट? इसीलिए इस एरियाज के लोग अगर जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स वाले एरिया हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया अगर आप ओल्ड टाइम्स के अंदर की बात करें तो बिल्कुल जो अलेक्जेंडर या फिर इनमें से कोई भी इंडिया के अंदर आते थे तो वो बहुत ज्यादा टाइम तक यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते थे, एंड या फिर वो यहाँ पे हिल्स पे जाना प्रेफर करते थे, जैसे कि हमारे ब्रिटिश रूल के टाइम पे भी होता था। इसीलिए उन्होंने अपने मोस्टली जो रूल्स हैं वो भी हमारे माउंटेन्स के अंदर ही एस्टैब्लिश किए, राइट? नेक्स्ट की हम बात करें तो ये दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है लोकल विंड से। तो अभी तक हमने दो टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये क्या है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर हमने बताना है कि करेक्टरिस्टिक क्या है। जब जब हमने वो वाली स्लाइड की थी तो उसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि लोकल विंड का नाम के साथ साथ उसका ये भी देख लीजिए कि क्या वो कोल्ड है या फिर क्या वो वॉर्म है, क्या वो कोल्ड है क्या वो वॉर्म है। तो आपने इस क्वेश्चन का आपका काम क्या है, कंसिडर द बिलो लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर्स। आपको इन तीनों में से इनकरेक्ट पेयर बताना है कौन सा है, वन टू या थ्री। फर्स्ट इज ब्लिजार्ड,
क्या ब्लिजार्ड एक कोल्ड फास्ट ब्लोइंग विंड है जो कि नॉर्थ अमेरिका में चलती है? नेक्स्ट है शिनूक, क्या शिनूक एक कोल्ड नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है? या फिर बुरान, क्या बुरान एक स्ट्रॉन्ग वार्म विंड है जो कि सेंट्रल एशिया और साइबेरिया वाले रीजन में चलती है? तो इसके अंदर एक तो सबसे बड़ी चीज जो हम अगर देखें, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए फिर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, इज इट ए 1 एंड 2, 1 एंड 3 या 2 एंड 3 ओनली? जल्दी से बता दीजिए कि क्या आपको लगता है इसका सही आंसर है। सो लेट अस सी इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी। सी का सी ऑप्शन क्या था हमारा? 2 एंड 3 ओनली, यानी कि ये दोनों ही गलत हैं। शिनूक भी गलत है और बुरान भी गलत है। तो इनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? बुरान, इट ब्लोज इन सेंट्रल एशियन साइबेरिया, बिल्कुल ठीक, बट इट इज स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड। वैसे भी अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले साइबेरियन टाइप का क्लाइमेट स्टडी किया था, बात की थी साइबेरियन टाइप में, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ, राइट? तो साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर वार्म विंड चलने के चांसेस बहुत रेयर रहेंगे। तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड चलेंगे जो कि इसको बहुत ज्यादा यहाँ इस एरिया को कोल्ड बना देगी, जिसके कारण कि टेम्परेचर -30 तक तक भी जा सकता है। एंड देन दिस शिनूक आर वार्म एंड ड्राई विंड्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में चलने वाली वार्म एंड ड्राई विंड्स हैं जिनके कारण की हेल्प मिलती है उस एरिया के लोगों को जब उनकी वहां पे कोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, सो कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा हमारा ओवर 4 के अंदर। तो जल्दी से अपना ओवर 3 का जो स्कोर है वो कैलकुलेट कर लीजिए, और अभी तक का अगर कोई क्वेरी है जो आपको लगता है कि आप अभी साथ साथ में नहीं पूछ पाए, तो अगर आपको बैकवर्ड जाके कुछ भी पूछना है तो जल्दी से देख लीजिए, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्कोर जो है वो अभी तक के कैलकुलेट कर लीजिए, ताकि हम जल्दी से अगले ओवर की तरफ बढ़ सकें और इस सेशन का जो लास्ट ओवर है उसको कंप्लीट करके अपनी आज की क्लास को जो है वो खत्म कर सकें। जल्दी से अपने मार्क्स जो हैं वो लिख दीजिए कि आपके अभी तक के क्या क्या मार्क्स जो हैं वो बन रहे हैं इस क्लास के। तो चलिए अब हम करते हैं ओवर 4 की शुरुआत। क्या है ओवर 4 का हमारा पहला क्वेश्चन, यानी कि हमारा 19th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप्स इज और आर एब्सेंट इन सदर्न हेमिस्फेयर? अभी तक हम ये सारे के सारे ऑलमोस्ट क्लाइमेट जोन जो हैं वो आज के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी उसका एक थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन है कि अगर आपको इन चीजों के ऊपर थोड़ी सी नॉलेज हो चुकी है, तो जल्दी से ये बता दीजिए कि इनमें से कौन सा क्लाइमेटिक टाइप जो है वो एब्सेंट होगा सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर। लोरेंशियन टाइप, टाइगर टाइप या फिर ब्रिटिश टाइप, जल्दी से बताइए। 1 एंड 2 ओनली, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली या तीनों के तीनों ही एब्सेंट रहेंगे सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर। तो हम इसका आंसर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे पहली बात तो ये कि सदर्न हेमिस्फेयर में क्यों कोई भी चीज एब्सेंट होगी, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर लैंड जो है वो कम एरिया के अंदर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर लैंड बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास लैंड आएगी तभी तो उस एरिया के ऊपर आप कुछ इफेक्ट उस चीज का देखोगे और वहां पे आपको क्लाइमेट टाइप कुछ मिलेगा। क्लाइमेट टाइप बेसिकली है क्या कि उस रीजन के एरिया वाले जो लोग हैं वो जो फ्लक्चुएशन आप देखते हैं रूटीन लेवल में, राइट, उसको आप क्लाइमेट कहते हैं, राइट? तो आप उस क्लाइमेट को तो वही लोग देखेंगे जहां पे लैंड ज्यादा होगी और लोग रह रहे होंगे, तो वही लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे, राइट? यही एक लॉजिक है कि लैंड को हम कंसिडर कर रहे हैं क्लाइमेट टाइप के अंदर। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा ए, यानी कि 1 एंड 2। तो ड्यू टू नैरोनेस ऑफ द सदर्न कॉन्टिनेंट्स इन हाई लैटिट्यूड टाइगर एंड लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट्स आर एब्सेंट। तो यहाँ पे आपको टाइगर टाइप भी नहीं मिलेगा और लोरेंशियन टाइप भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या था, 1 एंड 2, बोथ लोरेंशियन एंड टाइगर टाइप। तो इसका अगर हम बात करें तो क्या होता है बेसिकली, लैंड जो लोरेंशियन टाइप क्लाइमेट है वो आपको चाइना टाइप के ऊपर मैंने आपको बताया था मिलते हैं ना, और चाइना टाइप के ऊपर हमें मिलता है टाइगर, और टाइगर के ऊपर मिलता है हमें टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो जो टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो हमें फिर भी मिल जाएगा एंड में जाके, सदर्न पोल जो है वहां पे कौन सा प्लेस लाई करता है, एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका के ऊपर हमें फिर भी ये मिल जाएगा टुंड्रा टाइप। तो पर बीच में अगर यहाँ पे साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वो इस इतने के एरिया तक खत्म हो जाएगा, तो लोरेंशियन और जो टाइगर टाइप है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। ओके, सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
Which of the following are the characteristics of natural vegetation of savanna climate? तो मैंने आपसे कहा था उस टाइम पे जब हम स्टेपेस की बात कर रहे थे कि savanna are opposite to them, savanna climate are opposite to स्टेपेस, क्योंकि दोनों ही ग्रासलैंड्स होते हैं पर सवाना जो ग्रासलैंड्स हैं उनके अंदर क्या होता है तो जल्दी से देख लेते हैं. ट्रीज हैव लीव्स विद वैक्सी लेयर्स टू रिड्यूस इवेपोट्रांसपिरेशन. वैसे हम सवाना की बात अभी इसके लिए लेक्चर में दो बार, एक बार और पहले भी की थी जब हमने साहेल रीजन की बात की थी. साहेल रीजन, तो साहेल रीजन क्या था, सवाना और सहारा के बीच का एरिया, एस 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 राइट. यहाँ पे था सहारा, यहाँ पे था सवाना और बीच के रीजन को हम कहते हैं साहेल रीजन, जिनके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं. तो अगर आपको ये चीज पता है और ये पता है कि हमने स्टेपेस के बारे में क्या पढ़ा था तो जल्दी से उसका जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा सवाना तो उसको जल्दी से पढ़ लीजिए, बिकॉज हमने दो तरीके के ग्रासलैंड में डिवाइड करते हैं, स्टेपेस और सवाना. तो दोनों कुछ तो उनके अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएटिंग फीचर्स मिलते होंगे तभी हम उन दोनों को अलग अलग से कैरेक्टराइज कर पाते हैं राइट. तो जल्दी से इसका आंसर देख लीजिए. ट्रीज हैव लीव्स विद वैक्सी लेयर्स टू अवॉइड इवेपोट्रांसपिरेशन. की इवेपोट्रांसपिरेशन का क्या मतलब है कि जो लीव्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस ना हो, इसके कारण उनके पास वैक्सी लीव्स होते हैं ताकि उनका वाटर लॉस ना हो. नेक्स्ट है प्लांट यूटिलाइज एनुअल फायर्स टू स्प्रेड देयर सीड्स. वहां पे फायर्स लगती ही लगती हैं एनुअली जिसके कारण कि उनके सीड्स स्प्रेड होते हैं. एंड नेक्स्ट इज ग्रासेस आर शार्प. तो क्या इनमें से सही है और क्या इनमें से गलत है, आपको क्या लगता है, जल्दी से अपने आंसर्स मार्क कर लीजिए. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. तो क्या लगता है आपको इसका आंसर, जल्दी से बताइए. तो जल्दी से हम इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं. इट इज डी. डी क्या था, 1, 2 and 3. तो तीनों के तीनों सही है. तो अगर आप इसको स्टेपेस के मुकाबले में देखें तो बिल्कुल आप ये जान पाएंगे कि हाँ तीनों के तीनों जो है वो सही है. सो सवाना वेजिटेशन इज अडेप्टेड स्पेसिफिकली टू द लोकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजन. ठीक है, तो अगर आप इसकी बात करें यहाँ पे जो सवाना टाइप क्लाइमेट है उसके अंदर होता क्या है, अगर आप जैसे अगर आप अफ्रीका वाले रीजन को इमेजिन करें तो सवाना टाइप ऑफ रीजन इज समथिंग जो जहाँ पे आपको जिराफ्स मिलेंगे या बड़े बड़े एनिमल्स जो हैं वो मिलेंगे, एलिफेंट्स मिलेंगे बहुत ज्यादा बड़े बड़े साइज के राइट. तो यहाँ पे क्या होता है, पहली बात तो ये कि जो ट्रीज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. बाओबाब ट्री जैसे अगर आपको ये बाओबाब ट्री यहाँ पे लिखा है ब्रॉड ट्रंक्स टू स्टोर वाटर, ताकि प्लस इनके जो एनिमल्स होते हैं वो लंबे होते हैं तो इसके जो ट्रीज होंगे उनकी जो कैनोपी होगी वो सिर्फ इतने एरिया के अंदर लाई करती है. तो ये पूरा का पूरा ट्री होगा बहुत ज्यादा लंबा, अराउंड जिराफ जिस तक पहुंच सकते हैं सिर्फ इतना लंबा ट्री, और इसके ऊपर ये वाली जो ट्रंक होगी इसकी बहुत ज्यादा ब्रॉड जो है वो रहती है ताकि इसके अंदर वाटर जो है वो स्टोर कर सके. एक बार गूगल करिएगा इसकी फोटो को, बाओबाब ट्री राइट, इस ट्री की फोटो को गूगल करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. प्लस इसके अंदर जो ग्रासेस होते हैं वो भी बहुत लंबे लंबे वाले ग्रासेस होते हैं, मतलब आप ये लगा लीजिए कि इतना बड़ा ग्रास है कि एलिफेंट इसके यहाँ तक पहुंच पाएगा. ठीक है, और इसके ऊपर एलिफेंट्स के ऊपर बैठ के आप उन्हें क्रॉस कर पाएंगे, वरना आप अंदर जाएंगे तो आप गुम हो जाएंगे. ठीक है, इस तरीके के ये ग्रासेस होते हैं. सो कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स. इनमें से कौन से टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं हैविंग टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. तो आपको क्या लगता है कि हमने अभी तक दो ग्रासलैंड्स किए हैं, मैंने आपको अभी बताया कि दो टाइप के ग्रासलैंड्स होते हैं, सवाना और स्टेपेस राइट. तो जो सवाना और स्टेपेस टाइप के ग्रासलैंड्स हैं इनमें से कौन सा है दोनों में से टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स, तो आपको उसी के सेम वाला बाकी बताना है कि क्योंकि अगर हम सवाना की बात करें तो इट इज ओनली इन अफ्रीका राइट. स्टेपेस बताइएगा कि कहां पे है, ऑप्शंस के अंदर जल्दी से लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि स्टेपेस कहां पे है. तो अगर आपको इन दोनों के बारे में पता है तो आप ये एक बात ये बता सकते हैं कि जल्दी से कि सवाना अगर हमने कहा अफ्रीका के अंदर है तो अफ्रीका बिल्कुल टेम्परेट जोन के अंदर नहीं आता है, तो ये सारे स्टेपे टाइप ऑफ ग्रासलैंड जो है वो उनकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इनमें से कौन से जो है इन एरियाज की अगर हम बात करें तो स्टेपे टाइप रीजन में लाइक कर रहे हैं और सवाना टाइप रीजन में नहीं लाइक कर रहे हैं. तो अगर आप ये थोड़ा समझ सकते हैं तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए. पंपाज ऑफ अर्जेंटीना, पुस्ताज ऑफ हंगरी या फिर कैंपोज ऑफ ब्राजील. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3. तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या है. हमारा आंसर है इसका ए, यानी कि 1 and 2 ओनली, यानी कि पंपाज ऑफ अर्जेंटीना जो कि लाए करेंगे ऑलमोस्ट अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो बिल्कुल
साउथ अमेरिका के नीचे वाले एरिया में लाई करते हैं ना, अर्जेंटीना वाला एरिया, राइट? एंड ब्राजील का जो एरिया है, इट लाइज इन, यहाँ पे हमारा ब्राजील आता है बिल्कुल ऊपर वाले एरिया में, अराउंड ट्रॉपिक्स और इक्वेटर के पास वाले एरिया में. तो इसके अंदर जो लैंड फॉर्म, जो हमारे ग्रासलैंड्स मिलेंगे, वो सवाना टाइप के ग्रासलैंड्स मिलेंगे. और जो ऊपर अर्जेंटीना और हंगरी है, हंगरी भी ऊपर वाले एरिया के अंदर ही आता है. हंगरी कहाँ पे आता है? हंगरी कौन से कॉन्टिनेंट पे है, ये भी जरा जल्दी से लिख दीजिएगा. अगर आपको ये चीजें याद करने में दिक्कत आ रही है कि कौन सी कंट्री या कौन सा रीजन कहाँ पे लाई करता है, तो डू वॉच आर लास्ट सेशन ऑफ ज्योग्राफी. उसके अंदर हम मैप को एक्सटेंसिव बेसिस पे पढ़ेंगे कि मैप पे क्या चीज कहाँ पे लाई करती है, ताकि इस चीज को आप अच्छे से समझ पाए. तो दैट वुड बी आर लास्ट सेशन जो होगा, जो हमारा मैप के ऊपर बेसिकली लाई करेगा. तो जल्दी से इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप उसके अंदर मैप बेस्ड डाउट वो पूछ सकें. ओके, सो कमिंग ऑन टू आर आंसर, आंसर वॉज ए, राइट? तो हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. पंपास ऑफ अर्जेंटीना एंड उरुग्वे ग्रासलैंड्स एक्सटेंड राइट टू द सी एंड एंजॉय मच मैरिटाइम इन्फ्लुएंस. सदर्न हेमिस्फेयर के हैं ये पंपास, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर स्टेपीज, पुस्तास और प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका. ओके, सो कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन. साइक्लोन्स के बारे में इनमें से क्या चीज गलत है? टेम्परेट साइक्लोन्स कैन ओरिजिनेट ओवर बोथ लैंड एंड सी, वाइल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैन नॉट. टेम्परेट साइक्लोन्स आर यूजुअली लेस डिस्ट्रक्टिव देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ओके, टेम्परेट साइक्लोन्स कैन मूव ओवर लैंड, वाइल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैन नॉट. एंड देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव क्लियर फ्रंटल सिस्टम प्रेजेंट, वाइल टेम्परेट साइक्लोन्स डू नॉट. तो जल्दी से बता दीजिए इनमें से क्या आपको लगता है सही है. ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स हम इस सीरीज के अंदर अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो जो ट्रॉपिकल रीजन में जनरेट होंगे, है ना, और टेम्परेट साइक्लोन्स कौन से, जो कि टेम्परेट रीजन के अंदर जनरेट होंगे, राइट? तो टेम्परेट रीजन के साथ साथ इनके अंदर और बड़ी वेरिएशन क्या होती है? पहली बात तो ये कि जो ट्रॉपिकल वाले जो साइक्लोन्स होते हैं, दे ओरिजिनेट ओनली ओवर सी, उनको पानी चाहिए एज अ फोर्स. और टेम्परेट वाले जो साइक्लोन्स होते हैं, उनको पानी नहीं चाहिए. दे कैन ओरिजिनेट ओवर एनी एरिया बेस्ड ऑन देयर फ्रंटल सिस्टम. यानी कि अगर उनका फ्रंट बन जाता है, एक वार्म और कोल्ड फ्रंट जो है वो बन जाता है, जहाँ पे कि वो मीट करते हैं, और वहां पे उनका जो बारिश वाला सिस्टम जो है वो बन जाता है, या फिर उनका जो विंड्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिल जाते हैं, तो टेम्परेट साइक्लोन जो है वो जनरेट हो जाते हैं. तो इसके साथ ही आप ये कह सकते हैं कि क्या इनमें से गलत है. तो इसका आंसर था डी. ओके, सो इसके साथ ही हम ये बात कर लेते हैं कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स है, दे कैन मूव ओवर लैंड, वाइल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैन नॉट. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इसका रीजन क्या है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, जैसे ही उनके सामने लैंड आती है, दे डिसिपेट. वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिर्फ तभी तक रहते हैं जब तक उन्हें पानी का कंटेंट प्रॉपरली मिलता रहे. जैसे ही उन्हें पानी मिलना बंद होगा, वो बहुत ज्यादा वीक पड़ जाएंगे. ओके, सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इक्वेटोरियल रीजन, द ईयर इज डिवाइडेड इनटू फोर मेन सीजन. इक्वेटोरियल रीजन में चार मेन सीजन रहते हैं. मेडिटेरियन रीजन के अंदर समर मंथ रिसीव मोर रेन. ओके, चाइना टाइप क्लाइमेट के अंदर रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर. एंड लास्ट इज ट्रॉपिकल हाईलैंड एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट. तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा आपको लगता है सही है. 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 4, 3 एंड 4, या 1, 2, 3 एंड 4. अगर आप इक्वेटर, आप इन चारों के बारे में ऑलमोस्ट हम अभी तक बात कर ही चुके हैं कि ये चारों क्या चीजें हैं. सिर्फ एक हमने शायद वर्टिकल जोनेशन अभी तक नहीं बात किया, बाकी हमने ऑलमोस्ट चीजों के बारे में बात कर रखी है. तो आप अगर कंफ्यूजन होगी तो इसी के अंदर रहेगी, बाकी चीजें आपको सही करनी है. तो यानी कि या तो आप एम ऑफ कीजिए, या तो मतलब ऑब्वियस है कि अगर आपको कंफ्यूजन है इसके अंदर, तो आप 1 या ए या डी से मार्क कर सकते हैं कुछ भी, राइट? बाकी ए या डी के अंदर तो 1, 2 एंड 3 की हम बात कर रहे हैं. हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड ही गलत हो, राइट? तो जल्दी से अपने आंसर जो है वो बता दीजिए. आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है? देखिए, वर्टिकल जोनेशन क्या होती है, इससे पहले आप इस क्वेश्चन को मार्क करें, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं. मतलब आप मार्क कर चुके होंगे ऑलमोस्ट बच्चे जो है वो, राइट? वर्टिकल जोनेशन होती है कि जब आपको, एक तो हो गया कि लेटिट्यूड वाइज वेरिएशन मिल रही है क्लाइमेट की, राइट? जो हमने इक्वेटर से लेके टुंड्रा तक की बात की है ना, लास्ट में हमने बात की है कि टुंड्रा टाइप क्लाइमेट मिलता है, और नीचे हमने कहा है कि इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट मिलता है 0 डिग्री, और ऊपर हम साइबेरियन टाइप से ऊपर अगर हम चले जाए, राइट? और वर्टिकल जोनेशन होता है जब आपको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर आप
नीचे से ऊपर की तरफ जाए, मतलब आपने यहाँ से लेटिट्यूड में ऊपर नहीं जाना है, बट एक एरिया के अंदर ही हाइट वाइज ऊपर जाए, तो भी आपको अलग अलग क्लाइमेट जो है वो मिलेंगे, जोनेशंस मिलेंगी। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो हर जगह पे आपको मॉनसून टाइप क्लाइमेट नहीं मिलेगा। अगर आप ऊपर वाले एरियाज में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल वाले एरियाज में जहाँ पे हिमालयज है, तो वहां पे आपको डिफरेंट क्लाइमेट मिलेगा, जो कि आपको लगेगा कि टेम्परेट रीजन जैसा है। इसी कारण हमने इसकी बात की थी कि जो ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो दे प्रेफर्ड मोस्टली कि वो इन एरियाज के अंदर जाकर रहे, बिकॉज दे वर अडेप्टेड टू दीज रीजन, वो उसी के ऊपर अडेप्ट हो रखे थे कि वो उस रीजन के अंदर कंफर्टेबल जो है वो रह पाते थे। ओके, इस हिसाब से फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाती है। बाकी सब स्टेटमेंट जल्दी से देख लेते हैं कि वो क्या कहती हैं। तो आंसर है इसका सी, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है सेम सीजन थ्रू आउट द ईयर, इक्वेटोरियल रीजन में सेम सीजन रहता है पूरे के पूरे साल में। एंड स्टेटमेंट टू भी गलत है क्योंकि उसके अंदर विंटर, मेडिटेरियन रीजन में विंटर मंथ्स के अंदर ज्यादा रेन होती है। जिस क्वेश्चन के अंदर हमने मेडिटेरियन और मानसून का हमने डिफरेंस पढ़ा था, उसके अंदर हमने इस चीज के बारे में बात की थी। एंड थर्ड क्या था, चाइना टाइप क्लाइमेट में रेनफॉल अक्कर होती है पूरे साल, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो जल्दी से आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि दिस इज ऑल्सो एन अप्लाइड क्वेश्चन, कि अगर आपने डिटेल में इन चीजों को पढ़ा है सारे क्लाइमेट्स को, तो आपको ये पता होगा कि कौन से ट्राइब्स जो है वो रहती हैं इन रीजन्स के अंदर, जो अगर आप डेजर्ट टाइप और सुदान टाइप और ये सारे क्लाइमेट्स देखो, तो आपको ये चीज इस क्वेश्चन आंसर सेशन के थ्रू आपको दो तीन चीजें पता चल गई कि जब भी आपने क्लाइमेट रीजन के बारे में पढ़ना है तो आपने किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या क्या आपने समझ में आया अभी तक, कि एक तो आपको वेजिटेशन के ऊपर ध्यान देना है कि कैसे पौधे मिलते हैं वहां पे, राइट। एक आपको रेनफॉल के ऊपर ध्यान देना है कि जब आपको वहां पे बारिश कितनी मिलती है, राइट। आपको वहां के लोगों की तरफ ध्यान देना है कि ट्राइब्स कैसी है वहां पे, है ना। आपको वहां के और किस किस चीज की तरफ ध्यान देना जो अभी तक हमने पढ़ा है, जल्दी से उस चीज को भी देख लीजिएगा। तो मेनली ये तीन चीजें हमने आपको देखनी ही देखनी है, ध्यान में रखनी ही रखनी है। रेनफॉल का क्या पैटर्न है, क्या वो पूरे साल होती है, कितनी होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, इस तरीके की चीजें, राइट। तो ट्राइब्स के अंदर आप जल्दी से इसको, अगर दिस इज सच अ क्वेश्चन कि या तो आपको ट्राइब्स के नाम पता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं पता है, तो यू कैन जस्ट लीव दिस क्वेश्चन अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है, राइट। तो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा सी। सी क्या था, टू एंड फोर ओनली। होसा ट्राइब जो है वो सुदान टाइप क्लाइमेट में मिलती है, एंड पिग्मीज जो है वो इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट के अंदर मिलती है, राइट। तो बाकियों की अगर हम बात करें तो जो होसा की जो ट्राइब थी वो सुदान टाइप क्लाइमेट के अंदर मिलती है। सुदान टाइप क्लाइमेट मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो हम सवानास की बात की थी हमने, राइट। तो सवाना वाले एरिया के अंदर ये वाली ट्राइब मिलती है, मसाई, होसा, आइबो वाली ट्राइब, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इन्यूइट्स। इन्यूइट्स ट्राइब हमें मिलती है टुंड्रा टाइप क्लाइमेट में, जो बिल्कुल एक्सट्रीम क्लाइमेट है, कोल्ड रीजन, राइट। एंड टोरेक्स, हॉट एंड टोर्स, बेडुइन टाइप हमें मिलती है हॉट डेजर्ट में, जो कि है हमारा सहारा डेजर्ट टाइप, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पिग्मीज, जो कि हमें मिलती है इक्वेटोरियल रीजन में। तो पिग्मीज वाला और होसा वाला सही था, इन्यूइट्स और बेडुइन वाला गलत था, ठीक है। ये दोनों बेसिकली एक्सचेंज किए हुए थे। ओके, तो इसके साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जल्दी से अपने स्कोर जो है वो लिख दीजिए, आज के सारे सेशन के अंदर आपके कितने मार्क्स जो है वो बने। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी हम यहीं पे रहेंगे चैट सेशन के अंदर, चैट के अंदर, तो जल्दी से अपने डाउट जो है वो पूछते रहिएगा। कोई कहीं कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत है, चैट विंडो के अंदर आपको कोई भी किसी चीज के अंदर डाउट जो था वो इस सेशन के अंदर है, और फटाफट से अपने मार्क्स जो है वो बता दीजिए आपके आज के सेशन के मार्क्स कितने रहे। और कोई दिक्कत आई आपको इस चीज के अंदर, कोई चीज है जो आपको डाउट है वो आप पूछना चाहते हैं, किसी तरीके की चीज जो है आप सही करना चाहते हैं, ये वाली चीजें भी जो है वो आप बता दीजिए, राइट। तो जल्दी से इसका अपने अपने स्कोर्स जो है वो लिख दीजिए। आई होप यू ऑल स्कोर्ड वेरी वेल। आई होप कि आप सबने अच्छे से पढ़ाई करके इस सेशन को दिया था, राइट। तो अगर आपको अगले सेशन का सिलेबस देखना है तो हमारी अभी पीडिया की वेबसाइट पर जाइएगा और वहां पर देखिएगा कि नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ाएंगे, तो उसी हिसाब से आप नेक्स्ट सेशन के लिए पढ़ाई करके आइएगा। और इस टॉपिक के लिए बुक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वैसे भी फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक है जीसी लियो की, दैट इज अ रियली गुड बुक, तो अगर आप उससे पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल इसमें
जो है वो पूरा इसका क्लैरिटी टॉपिक क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। उसके अलावा जो क्लाइमेट जोन, जो स्टेपेज या सवाना की बात करें, तो ये आपको आई थिंक 7th या 8th की एनसीईआरटी के अंदर भी काफी अच्छे से दिए गए हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हमारी +1 की एनसीईआरटी तो है ही है, दैट इज अ वेरी रियली गुड बुक, राइट। तो दिस इज ओवर एंड अगेंस्ट कि अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आई और आपको ये नहीं समझ में आया कि ये था कहाँ से, ये सब कहाँ लिखा गया है, तो दिस आर द सोर्सेस, ओके। सो कीप ऑन स्टडी, कीप ऑन रीडिंग एंड परफॉर्म वेल, ओके। ऑल द बेस्ट। एंड बुक्स अभी आप नहीं ले सकते हैं, नो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, उसके बाद ले लीजिएगा, तब तक हमारे सेशंस आपको हेल्प कर ही रहे हैं। आप जो जो इसके अंदर लिख रहे हैं वो आपके लिए इनफ रहेगा अभी के लिए, राइट। सो जल्दी से अपने स्कोर्स लिख दीजिए एंड चैट विंडो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिएगा। राइट, सो गुड बाय फॉर नाउ, सी या सी यू ऑल ऑफ यू इन नेक्स्ट सेशन, राइट। सो पढ़ते रहिएगा और जल्दी से अच्छे अच्छे मार्क्स जो है वो लेके आइएगा। ओके, गुड बाय।